चलिए निमसेट के एक नए टॉपर से मिलते हैं, सुब्रज्योति रंजन से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 196 है और जो कि उड़ीसा से हैं। तो सबसे पहले बेटा 196 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो आपके चेहरे की खुशी, आपकी रैंक दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ऐसे ही खुश होना चाहिए और लाइफ में आप ऐसे ही आगे बढ़ो। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा बेटा कि आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी वो क्या है, किस तरह से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, कब आपने निमसेट का सोचा, फिर जब आप इम्पिटस से जुड़े, फिर आपने टेस्टिंग वगैरह दी सब करा, तो उसमें आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा, मतलब इंटायर सक्सेस जर्नी क्या किया? जी, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। 2020 में मेरा 12th कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद तो कोविड आ गया था, तो मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया, बीएससी फिजिक्स में। तो ऐसे ही करते करते 1-1.5 साल तो घर में निकल गया कोविड में। तो लास्ट के 1.5 महीने में 6 सेमेस्टर कॉलेज में कंप्लीट हुए थे। तो लास्ट सेमेस्टर में मैं कंफ्यूज हो गया था कि मैं आगे क्या करूँ, एमसीए करूँ कि बीएससी फिजिक्स में आगे जाऊँ कि एमबीए करूँ। तो ऐसे ही चक्कर में फाइनली मैंने डिसाइड किया कि एमसीए करना है। तो तब तक मुझे निमसेट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो मैं ओजेई दिया, ओडिशा में जो एग्जाम होता है एमसीए के लिए, ओजेई दिया, सीयूईटी दिया। तो कुछ ज्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं हुआ था, तो इसलिए मेरा ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। तो उसी मार्क्स से मुझे एक प्राइवेट कॉलेज अलर्ट हुआ था, जो वहां पे मैं जाना नहीं चाहता था। तो पापा को बोला, पापा ऐसे ऐसे मार्क हैं और एक प्राइवेट कॉलेज अलर्ट हुआ है। तो पापा बोले हाँ ठीक है, एडमिशन ले ले। तो मैं एक बार ऐसे यूट्यूब में स्क्रॉल कर रहा था, तो वहां पे मुझे निमसेट के बारे में पता चला। कोइंसिडेंसली वो इम्पेटस गुरुकुल का ही वीडियो था, तभी मुझे निमसेट के बारे में पता चला। तो तभी मैंने सिलेबस देखा, तो मैंने सोचा अरे यार ये तो मैं सिलेबस इजी है, ये तो मैं कर सकता हूँ। तो तभी मैंने ड्रॉप लेने की ठानी। 2023 में मैंने एग्जाम नहीं दिया था, 24 में मेरा पहला अटेम्प्ट था ड्रॉप ईयर के साथ। तो ऐसे ही करते करते मैंने सेल्फ स्टडी शुरू हुआ। 2023 में आपने जो मेडिकल कोर्स में जो सेशन लिए थे वो काफी मुझे हेल्पफुल हुए थे। तो जुलाई में मैंने सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दिया था, और अगस्त या सितंबर में मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी। और टेस्ट देते गया, स्कोर्स इंप्रूव होते गए, और आपके जो एनालिसिस थे वो मुझे काफी हेल्पफुल हुए। और ऐसे करते करते मैं आज यहाँ पर हूँ, उसके लिए थैंक यू फिर से। थैंक यू बेटा। क्योंकि देखो आप इम्पिटस से जुड़े, आपने इतने टेस्ट पेपर दिए, रिवीजन क्लासेस भी आपने अटेंड की होगी, तो ये बताओ जब टेस्ट पेपर में अप डाउन, क्योंकि इस बार बहुत वैरायटी ऑफ टेस्ट है, तो टेस्ट पेपर में जब अप डाउन होते थे तो उसे कैसे हैंडल करते थे? सर टेस्ट में तो सब सब टेस्ट तो अच्छे तो नहीं गए मेरे। कुछ टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छे गए, कुछ बुरे गए, कुछ मीडियम में रहे। तो वो सब टेस्ट में क्वेश्चन में डिपेंड करते हैं। तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आए तो लो स्कोर थोड़ा लो जाता था। तो मैं देखता था कि मैं कैसे इसको इम्प्रूव कर सकूं, रंग को कम कर सकूं, राइट को थोड़ा सा बढ़ा सकूं। तो ऐसे ही आपका सेशन जब देखता था तो पता चलता था अरे यार ये तो मैं इजीली कर सकता था, और बहुत सिंपल स्टेप में तो कर सकता था। मैंने इसमें ज्यादा टाइम दे दिया। ऐसे करते करते मैंने एक क्वेश्चन को 2-3 बार सॉल्व करते करते ऐसे ही एग्जाम में करते करते स्कोर थोड़ा इम्प्रूव आगे हुआ। गुड। और आपकी जो पढ़ाने का स्टाइल है मैं उससे काफी इम्प्रेस हुआ, इसलिए मैंने इम्पेटस गुरुकुल ज्वाइन करने की ठानी। थैंक यू बेटा। अच्छा ये बताओ, इंटायर आपका जब ड्रॉप लिया तो कभी कोई भी साल में आपके ऊपर कोई प्रेशर आया, या कहीं मन में थॉट कि यार एक साल दिया है पता नहीं क्या होगा, इस तरह के कोई थॉट्स? पहले पहले तो आता था कि मैं बीएससी फिजिक्स में था, अभी ड्रॉप लेके एमसीए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, पूरा स्ट्रीम चेंज कर रहा हूँ, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। और ऐसे ही थॉट्स भी आते थे, मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, कुछ अच्छा होगा कि नहीं। पर मैंने खुद को ऐसे ठान लिया था कि मैंने कुछ करना है, मुझे एनआईटी जाना है। तो मैंने खुद को संभाला और डिसिप्लिन मेंटेन किया कि आज मुझे 6-7 घंटे पढ़ना ही है, टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है। ऐसे ही करते करते आज यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। चलो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा एग्जामिनेशन हॉल में आपका क्या माइंड सेट था, या क्या थॉट थे आपके दिमाग में, क्या चल रहा था पेपर देखने के बाद? क्योंकि पेपर हैंडलिंग इस बार बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने बोली जी जी थी, तो कई जी बच्चे नहीं कर पाए, तो मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके मैसेज से जो भी बच्चा कनेक्ट होता है, हर बच्चा अलग अलग इंटरव्यू से कनेक्ट होता है, तो वो जी अपने आप को पहले से मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर रखे, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस था?
मैंने जब हॉल में एंटर किया, आपने जो बोला था मेडिटेशन करना है, तो मैं 15 मिनट एकदम चुपचाप बैठ गया, शांति से बैठ गया, पानी पिया और ज्यादा इधर उधर नहीं हुआ, तो आराम से बैठा। क्वेश्चन पेपर जब आया तो पहले के एक दो तीन क्वेश्चन तो नहीं बने, तो आपने जो बोला था क्वेश्चन को उलझना नहीं है, आगे बढ़ना है, तो मैंने आगे बढ़ा और क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हुए। तो ऐसे ही करते करते एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हुए, क्वेश्चन करता गया और संभाल लिया यार, लास्ट में क्वेश्चन को संभाल लिया ऐसे ही। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे बेटे? जूनियर्स को ये बताना चाहता हूँ कि अपने 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 आप पर भरोसा रखो, और आपने जो सोचा है आगे में ये करना है वो उस पर आप अड़े रहो, और डिसिप्लिन मेंटेन करो, पहली बात वही सबसे पहले है, हार्ड वर्क करो, और ऊपर वाला सब देख रहा है, सबको देता है। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है। तो चलो बेटा, ऑल द बेस्ट वंस अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब एनआईटी में भी जाके ऐसी परफॉर्म करना है। जी, थैंक यू।